इसराइल और हमास के बीच की लड़ाई ने न केवल गजा के लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है बल्कि पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता का कारण बन गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के हालिया दौरे के साथ अमेरिका ने युद्ध विराम की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस दौरे का उद्देश्य गजा में मानवीय सहायता को पहुंचाना और संघर्ष को समाप्त करने के लिए संभावनाएं तलाशना है। इस बीच हमास के नेता यहया सिनवार की हत्या ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। यह हत्या न केवल इसराइल के लिए एक रणनीतिक जीत है बल्कि इससे संघर्ष की मौजूदा स्थिति पर भी गहरा असर पड़ रहा है। इसराइल ने पहले ही घोषणा की थी कि वह हमास को पूरी तरह से खत्म करने के अपने लक्ष्य पर कायम रहेगा, जिसके कारण गजा में हाथाहाथों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर हिजबुल्ला की बढ़ती गतिविधियां भी इसराइल के लिए नई चुनौतियां पेश कर रही है। हाल ही में हिजबुल्ला ने इसराइली सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि समूह भी गजा संघर्ष में अपनी भूमिका निभा रहा है। ऐसे में ब्लिंकन का इसराइल दौरा इस बात का प्रयास है कि अमेरिका इस जटिल स्थिति में शांति स्थापित कर सकता है या नहीं। गजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसराइली हमलों में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। लोगों के पास न केवल खाने पीने का सामान भी नहीं बचा है बल्कि चिकित्सा सहायता भी बहुत कम हो गई है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने इसराइल से मानवीय सहायता की प्रक्रिया में तेजी लाने की पुरजोर कोशिश की है ताकि जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाई जा सके। एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में इसराइल का दौरा किया, जिसमें उनका मुख्य उद्देश्य गजा में एक युद्ध विराम को स्थापित करना था। उनका यह दौरा उस समय हुआ जब इसराइल ने हमास के नेता यहया सिनवार को मार गिराया। पिछले साल के संघर्ष के प्रमुख अभियुक्तों में से एक थे। अमेरिका की उम्मीद है कि सिनवार की मौत से शांति के प्रयासों को नया मोड़ मिल सकता है। हालांकि इसराइल ने अब तक अपने सैन्य अभियानों में कोई कमी नहीं की है। ब्लिंकन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और गजा के दोबारा से निर्माण तथा शासन की योजनाओं पर चर्चा की। साथ ही एक अमेरिकी विशेष दूत लेबनान में हिजबुल्ला के साथ संघर्ष को समाप्त करने की संभावना तलाश रहे। गजा में हालात बेहद चिंताजनक हैं। संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख फिलिप लाजारनी ने एक तत्कालीन युद्ध विराम की घोषणा की है। उनका कहना है कि गजा में मानवीय स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी है। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक 42,000 से भी ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और इसके अलावा 1,00,000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस बीच इसराइली हमलों में कई अस्पताल भी प्रभावित हुए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा पूरी तरीके से गजा में प्रभावित हुआ है। लजानी ने कहा कि उत्तरी गजा में लोग बस मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बीच हिजबुल्ला ने भी इसराइल के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं। हाल ही में हिजबुल्ला ने इसराइल के तेल अवीव और हाइफा में मिसाइल हमले किए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि उनका सैन्य ढांचा अभी भी बरकरार है। लेबनान में इसराइली हवाई हमलों में 13 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। हिजबुल्ला ने इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निवास पर ड्रोन हमले का दावा किया है, जिससे स्थिति और भी अब तनावपूर्ण हो गई है। गजा संकट ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता में डाल दिया है। अमेरिका के प्रयासों के बावजूद मानवीय स्थिति और हिजबुल्ला की धमकियां इस संकट को और भी जटिल बनाती जा रही हैं। आगे का रास्ता क्या होगा, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये निश्चित है कि अब तक स्थायी शांति नहीं होगी, तब तक इस क्षेत्र में अशांति बनी रहेगी।